ये वो वाली फ़ोटो है, देखिए कितना फ़र्क है, मतलब इस फ़ोटो में एंड इस फ़ोटो में कितना फ़र्क हो चुका है, आप नोटिस कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक केशव फिल्म्स में। दोस्तों आज मैं पहले कुछ नहीं बोलूँगा, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आज है संडे एंड संडे को स्पेशली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आया हूँ, और उसके लिए आप एक लाइक तो बनता है। तो आप लोगों को आज डिसलाइक नहीं करना, सिर्फ लाइक करना है, लाइक करके ही जाना है। एंड दोस्तों आज खेलते हैं एक नया गेम। इस पूरी वीडियो में मैं कहीं पे एक स्पेलिंग मिस्टेक करूँगा इंग्लिश की, एंड आपको पहचानना है कि वो कौन सी इंग्लिश की स्पेलिंग है जो इस पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एंड आपको कमेंट में लिखना है, जैसे कि मान लीजिए 2 मिनट 5 सेकंड पे एक स्पेलिंग है फॉर, और उसकी मैंने स्पेलिंग कर दी फ्रो, FRO, तो आपको नीचे लिखना है 2 मिनट 5 सेकंड, पहले रॉन्ग वर्ड FRO, देन करेक्ट वर्ड FOR। एंड इसका मैं सही जवाब दूंगा कल की वीडियो में, तो आपको ये करना है, ठीक है। सो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी मैं करूंगा एक्सरसाइज, आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल फोटोज़ का इतना महत्व है, मतलब आप फेसबुक यूज़ करो, इंस्टाग्राम यूज़ करो, थंबनेल लगाओ यूट्यूब पे या कहीं भी, बट कुछ फ़ोटोज़ कभी कभी ऐसी आती हैं जो काफ़ी डल होती हैं, या फिर उसका जो मेन फेस होता है वो ब्लैक आ रहा होता है। तो उस समय हमें लगता है कि यार जो फ़ोटोज़ में अगर ये चेहरा वाइट हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फोटोशॉप के थ्रू कि कैसे आप लोग अपने चेहरे को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको शेडो बढ़ा सकते हैं उसकी फोटोशॉप के थ्रू। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ फोटोशॉप के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको चूज़ करना है फोटोशॉप को। फोटोशॉप को ओपन किया, देन आप क्लिक करेंगे ओपन में, एंड जो फोटो आपको वो फोटो चूज़ कर लेनी है उसको ओपन कर लेना है। ये हमारी फ़ोटो यहाँ पे आ गई, देन आपको इस फोटो का डुप्लीकेट लेयर बनाना है एंड ओके करना है। उसके बाद आपको करना है क्लिक इमेज में। इमेज में क्लिक करके आपको क्लिक करना है एडजस्टमेंट में, चूज़ करना है शेडोज हाइलाइट्स। जब भी आप क्लिक करेंगे देखिए इतना फ़र्क आ गया। एंड यहाँ से आप चाहें तो अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, ये बैकग्राउंड कितना फ़र्क आ गया, बट मुझे शेडो बैकग्राउंड चेंज नहीं करना, मुझे मेन जो फेस उसको हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ से अमाउंट को चेंज करूँगा। उसको अपने हिसाब से आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, इतना भी ठीक लग रहा है मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। देन मैं क्लिक करूँगा लेयर पे, चूज़ करूँगा न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड चूज़ करूँगा कर्व्स। कर्व्स में आपको जितना हाईलाइट करना है उतना हाईलाइट कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ बैकग्राउंड साथ साथ मतलब मेरे चेंज हो रही है, बट मुझे बैकग्राउंड को चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं दबाऊँ कंट्रोल प्लस आई, इससे इन्वर्ट हो जाएगा। एंड मैंने यहाँ पे चूज़ कर रखा है ब्रश, एंड इसका थोड़ा मैं थोड़ा छोटा करूँगा यहाँ से, एंड फेस को जूम करके जितना मुझे हाईलाइट करना है, जितना फेस को बढ़ानी है मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। आप नोटिस कर रहे होंगे हल्का हल्का फ़र्क आ रहा है, हमें करना इतना ही है कि जो लगे नेचुरल है। कान पे भी कर लेंगे, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे थोड़ा हाथ पे भी कर लेते हैं कि थोड़ा फ़र्क सा लगे। इतना करने के बाद फिर से हम आएंगे लेयर्स में, लेयर में चूज़ करेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर, एंड यहाँ पे हम चूज़ करेंगे सिलेक्टिव कलर, ओके कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा रेडिश इसको करना है, अगर तो हम रेडिश रेड लेके अपने हिसाब से हमको सेटिंग कर लेनी है कि जो नेचुरल लगे। ये डन कर लेना है। इसके बाद हमको आना है फिल्टर में, फिल्टर में आके हमको चूज़ करना है शार्पन, शार्पन पे चूज़ किया। अब देखिए थोड़ा सा पहले से शार्पन हो गया, एंड इसके बाद हमको यहाँ पे फाइल में आके इसको एक्सपोर्ट कर देना है, क्विक एक्सपोर्ट एट PNG, इसको मैं नाम देता हूँ 1 2 3 डाउनलोड्स। देन मैं यहाँ पे इसको डोंट सेव कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये फ़ोटो जो हमने चेंज करी है ये वाली फ़ोटो है, एंड जो फ़ोटो हमने जिससे हमने चेंज किया था ये वो वाली फ़ोटो है। देखिए कितना फ़र्क है, मतलब इस फ़ोटो में एंड इस फ़ोटो में कितना फ़र्क हो चुका है, आप नोटिस कर सकते हैं। फेस ये देखिए इस फ़ोटो का एंड इस फ़ोटो का,
तो बेसिकली ये फ़र्क है दोस्तों। सो दोस्तों ये था फोटोज़ का फ़र्क जो मैंने आपको करके दिखाया है कि इस तरह आप भी कर सकते हैं फोटोज़ को हाईलाइट, एंड आप फेसबुक, इंस्टा, अपने थंबनेल बनाने के लिए हर जगह यूज़ कर सकते हैं फोटोज़ को। एक जो स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में आपको बताया था, शायद आपने वो ढूंढ लिया होगा, अगर नहीं ढूंढा तो अभी भी आ सकता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी एक स्पेलिंग मैंने आज मिस्टेक करी है, उस स्पेलिंग को आपको कमेंट में बताना है, इस टाइम पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है। सो आई होप आप लोग वीडियो देखने में मज़ा आया, अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तब भी आप लाइक ही करेंगे आज बिकॉज आज संडे है। एंड अगर आप फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फॉर प्यारी लवली वीडियो, सब्सक्राइब टू माय इंकेश फिल्म्स। बाय।